क्या आप लोगों को ये टीवी दिख रहा है? नहीं। अब दिख रहा होगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज इस टीवी पे हम लोग खेलेंगे माइनक्राफ्ट। वो कैसे खेलेंगे, तो पहली बात, हमारा टीवी एक एंड्रॉयड टीवी है जिसमें कि यूट्यूब तो चलता ही, हॉटस्टार चलता ही है, मतलब सारा एंड्रॉयड ऐप चलता है, तो माइनक्राफ्ट भी शायद चल सकता है अगर उसका एपीके हम लोग इसमें रन करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारे फ़ोन में जो एपीके है उस एपीके को इस पे सेंड करेंगे। मेरे पास कोई पेन ड्राइव नहीं है, तो हमें कोई वायरलेस मीडियम चूज़ करना पड़ेगा फाइल सेंड करने के लिए। तो देखते हैं किससे सेंड किया जाए। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मुझे एक ऐप मिला टीवी पे जिसका नाम है सेंड फाइल्स टू टीवी, और इससे हम लोग अपने फ़ोन से टीवी में कोई भी फाइल भेज सकते हैं। तो हमें एपीके भेजना है माइनक्राफ्ट का, तो मैंने ये चूज़ किया। अब करते हैं इसको मोबाइल में भी इंस्टॉल, टीवी में हो चुका है। तो ये रहा मेरा माइनक्राफ्ट यहाँ पे, तो इसका हम लोग एपीके बनाने वाले हैं। एपीके बनाने के लिए एक प्ले स्टोर से मुझे ऐप मिला एपीके एक्सट्रैक्टर, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। और अरे जल्दी हो भाई, और यहाँ पे सारा ऐप्स आ गया है। अब हम लोग सर्च करते हैं यहाँ पे माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट आ चुका है। अब इस पर बार क्लिक करते हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, इसका एपीके एक्सट्रैक्ट हो गया है। कहाँ पे हुआ है देखना पड़ेगा डायरेक्टरी, तो उसको छोड़ते हैं। हम लोग जाते हैं सेंड फाइल्स टू टीवी। अब हम लोग माइनक्राफ्ट का जो एपीके था उसको टीवी पे सेंड करते हैं। कहाँ पे था, एक्सट्रैक्टेड एपीके के अंदर माइनक्राफ्ट कॉम। ये रहा हमारा माइनक्राफ्ट का बेस एपीके, इस पर क्लिक करते हैं एक बार और टीवी पे ओपन करते हैं ऐप को। तो यहाँ पे मैंने टीवी पे ऐप ओपन कर लिया है सेंड फाइल्स टू टीवी। अब मोबाइल से इस पर सेंड करते हैं एपीके। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेस एपीके चूज़ कर लिया, और उसके बाद स्मार्ट टीवी शो होने लगा, इस पर टैप कर देते हैं हम लोग और टीवी पे एपीके सेंड होने लग गया। टीवी पे माइनक्राफ्ट का एपीके जाने लग गया है, माइनक्राफ्ट का एपीके आ चुका है पूरा। अब इसको ओपन करते हैं हम लोग। ओके, तो इसको ओपन करते हैं। ओपन हो गया, यस यस, इंस्टॉल का बटन, जल्दी से आओ जल्दी से। और कितना घंटा से होगा ये? ओह आ गया। अबे तू नोटिफिकेशन हट यहाँ से। यस, इंस्टॉल का बटन आ गया, इंस्टॉल का बटन पे टैप करते हैं। यस, हो रहा है इंस्टॉल। ओपन का बटन, सिर्फ ओपन का बटन दिख जाए, ओपन का बटन। और यहाँ पे ओपन का बटन दिख चुका है। सबसे पहले हम लोग डन कर लेते हैं, उसके बाद ओपन करेंगे सारा चीज़ बैक करके। यहाँ पे सारा चीज़ बैक कर दिया हम लोगों ने, और इधर माइनक्राफ्ट आ चुका है। तो हमारे ये टीवी तो टच स्क्रीन है नहीं कि हम लोग ऐसे ऐसे खेलेंगे, हमें उसके लिए अपना जो पेरिफेरल्स डिवाइस है वो लाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ और अपना माउस और कीबोर्ड लेके आता हूँ, लेट्स गो। कीबोर्ड इसको लेके चलते हैं। अब चाहिए हमें माउस चाहिए एक, और माउस मेरा बैग में मिल जाएगा लैपटॉप वाला। खुल जाओ भाई, खुल जाओ, एक हाथ से मोबाइल पकड़े। ये रहा माउस, माउस मिल गया। मैंने सोचा था अपना USB हेडफोन भी लगाऊंगा, लेकिन मेरे टीवी में तो सिर्फ दो ही USB है। सैड। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये लगा, लग जाओ भाई, नहीं उल्टा साइड लगा रहे हम तो। अरे घूम जा 180 डिग्री। और ये लग गया, मैं इसको पहले नीचे लगा देता हूँ क्योंकि ऊपर में फिर माउस लगाऊंगा। और ये कीबोर्ड लग चुका है। अरे कीबोर्ड को चेक कैसे करते हैं कि नम लॉक की? यस, ग्रीन बढ़ गया, मतलब कीबोर्ड काम कर रहा है। अब माउस को लगाते हैं, ये भी 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। लग जाओ भाई, लग जाओ, लग गया। अब हम लोग माइनक्राफ्ट ओपन करते हैं। कहाँ है भाई माइनक्राफ्ट? ये रहा। तो एलेक्सा चालू हो गया, एलेक्सा से हम लोग पहले पूछ लेते हैं। एलेक्सा, कैन आई प्ले माइनक्राफ्ट ऑन माई टीवी? सॉरी, मुझे ये नहीं पता। अभी क्या पता है तुमको? अभी देखो, अभी तुमको पता चल जाएगा एलेक्सा। देखो तुम वीडियो देखो। तो अभी ओपन करते हैं इसको। ओपन हो जा भाई। नहीं नहीं, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, बस ओपन हो जाओ। ओह, मोजांग स्टूडियोस। लाल लाल क्यों दिख रहा है इतना? अबे चेंज हो जल्दी। और हो गया, हो गया 51%। जल्दी 100% हो जाओ भाई। प्ले का बटन कहाँ है भाई? ओह, साइन इन फॉर फ्री, साइन कर लेते हैं। हो जाओ, हो जाओ, अरे हो जाओ। माउस से दबाना पड़ेगा। ओके, पूछ लो मेरा ID पासवर्ड पूछ लो, हमको यादों में। तो यहाँ हम लोग लॉग इन कर लेते हैं पहले अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, और यहाँ पे साइन इन हो चुका है। अब देखते हैं क्या आता है। वेलकम बैक आनंद प्लेस YT, और यहाँ पे लॉग इन हो चुका है हमारा। अब लेट्स गो करते हैं। क्या हुआ भाई, काला काला स्क्रीन दिख रहा है? ओह चल गया, चल गया। क्या हुआ, साइन इन नहीं हुआ क्या? कट करके देखते हैं इसको। हो गया, हो गया। डोंट सो दिस अगेन, कंटिन्यू। और यहाँ पे ये देखो मेरा कैरेक्टर आ गया। वैसे मेरा कैरेक्टर तो कुछ भी नहीं है, ये क्या बोलते हैं, स्टीव है कि एलेक्स, एलेक्स है ये। मेरा नाम आ चुका है यहाँ, साइन इन हो चुका है। और हम लोग चलते हैं अपने सर्वर में, लेकिन हम लोग का सर्वर ऑफ है, तो उसको पहले ऑन करके आते हैं, फिर हम लोग सर्वर्स में ऐड करेंगे उसे।
तो मैं अपने सर्वर को ऑन कर लेते हैं और ये क्लिक कर दिया स्टार्ट पे। ओके, तुम्हारा सर्वर स्टार्ट होना चालू हो गया है। अब इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं टीवी में, और आ गए टीवी के पास। अब चलते हैं सर्वर्स में और ऐड सर्वर करते हैं। सर्वर नेम में कुछ भी डाल देते हैं और गीजर के सर्वर पे चलते हैं, वरना हमारे नाम के आगे डॉट आ जाएगा जो कि हमको नहीं चाहिए, वरना मेरा सामान भी इन्वेंट्री भी चेंज हो जाएगा। हमको चाहिए अपना मेन आईडी वाला इन्वेंट्री, तो वो बिना डॉट वाला है जिसको मैं पीसी से खेलता हूँ। तो उसके लिए मुझे गीजर का ज्वाइन करना पड़ेगा। गीजर वो तो डिफॉल्ट ही रहता है इसका। अरे बैक हो गया भाई। कीबोर्ड नीचे कैसे करें? यहाँ पे जैसे मैं आईपी एड्रेस डाल के बैक करता हूँ तो पूरा बैक हो जाता है। एक काम करते हैं, हम इसका जीयूआई को थोड़ा छोटा करते हैं, तब शायद कट वाला बटन आ जाए, मतलब सेव वाला बटन आ जाए। कैसे होता है जीयूआई वीडियो में, ये रहा। इसको पूरा छोटा कर लेते हैं। अब छोटा हो गया सब चीज़, प्ले करते हैं। सर्वर्स एड सर्वर, ओके। नहीं, अभी भी प्ले वाला बटन नहीं आया। अरे भाई, देखते हैं फिर से करके। मैंने कीबोर्ड पे एस्केप बटन दबाया और वो हट गया कीबोर्ड। तो यहाँ पे हमारा सर्वर सेव हो चुका है गीजर प्रॉक्सी का। इसको ज्वाइन करते हैं। नॉट सो दिस अगेन, प्रोसीड कनेक्टिंग। ज्वाइन होने के बाद कुछ नोटिस आए और हमारा टीवी मतलब माइनक्राफ्ट ही क्रैश करेंगे। क्या बात है भाई, फिर से ओपन करते हैं और टीवी को ऑफ कर लेते हैं। हो सकता है इसका रैम पूरा भर गया हो, इतना सारा हम लोगों ने एप्लीकेशन जो खोला था। और इसको फिर से ओपन करते हैं हम लोग। ओपन हो जाओ भाई। क्या ओपन हो गया और यहाँ खुल चुका है माइनक्राफ्ट। हम लोग थोड़ा वीडियो का चंक्स को भी कम कर लेते हैं, हो सकता है उसके वजह से भी ऐसा हो रहा हो। नीचे आओ, नीचे नीचे आओ, नीचे। ओ भाई, तो इतना ज़्यादा नहीं, हमको 30 रखना है, 30 से जाते नहीं। चंक्स को कर लेते हैं हम लोग और कम नहीं हो सकता। ओके, 5 ठीक है। जरा जीयूआई को बढ़ा लेते हैं क्योंकि जीयूआई का काम हो गया है। सर्वर्स कनेक्ट हो जाओ। और अभी लोकेटिंग सर्वर हो रहा है, लोडिंग। और कितना देर लगेगा? सबमिट, जल्दी कस्टम सर्वर्स। अरे अरे भाई, क्रैश क्यों हो जाता है ये क्रैश क्यों हो जाता है? क्या मतलब, क्या दिक्कत है टीवी को? अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं सर्वर को। चलो चलो भाई, ऐड सर्वर। ओके, डायरेक्ट हो गया। एड्रेस में लिखूंगा अपना सर्वर का एड्रेस। ओके, हो गया। एस्केप दबाना है। अब सर्वर सेव हो चुका है यहाँ पे, लेकिन ऑफलाइन दिखा रहा है, तो हमें फिर से सर्वर ऑन करना होगा जाके। चलते हैं। यस, हो गया स्टार्ट, चलते हैं। अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि सर्वर ऑन होने में थोड़ा 2-3 मिनट लगेगा। उसके बाद हम लोग अपना टीवी पे सर्वर ज्वाइन करेंगे। सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन करते हैं। देख लेते हैं पोर्ट तो ठीक से डाला है ना। यस, 25048 पोर्ट ठीक है। ज्वाइन सर्वर, और यहाँ पे ज्वाइन होने लग गया, मतलब हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ओ, हम लोग ज्वाइन हो गए सर्वर। रजिस्टर कर लेता हूँ कोई पासवर्ड डाल के। और अब हम लोग रजिस्टर हो गए हैं और सर्वर में आ गए हैं। अब चलते हैं, हम अपने हाउस चलते हैं। या ये मॉडल अड्डे का मॉल दिख रहा है आप लोगों को, और ये हमारा रूल सर्वर का। ज़ॉम्बी ने मार दिया और पता नहीं ये कौन सा ग्लिच हुआ, तो बैक तो हो नहीं रहा है, एस्केप भी नहीं हो रहा है। फिर से ओपन करते हैं माइनक्राफ्ट को, और ओपन हो रहा है ये। यू डाइड। ओके, रिस्पॉन आ गया है। अरे मतलब अभी तो रिस्पॉन किया मैंने, फिर से वही खेलने नहीं मिलेगा आज। मैंने कंसोल से अपने आप को किक कर लिया और फिर से ज्वाइन करने का कोशिश करते हैं हम लोग। वो बार बार बीच में वो आ जा रहा है, फिर से ज्वाइन हो रहा है हमारा सर्वर। यू डाइड दिखा रहा है, इसको रिस्पॉन करते हैं। जल्दी से घर चलो। अरे फिर से ये जनरेटिंग वर्ल्ड आ गया, क्या किया जाए। एक काम करते हैं हम लोग, लास्ट ऑप्शन बचा है, मोबाइल से ज्वाइन करते हैं सर्वर को और चलते हैं अपने घर। उसके बाद टीवी से हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? चलते हैं। तो हम लोग अभी सर्वर ज्वाइन करते हैं मोबाइल से। यू डाइड। ओके, रिस्पॉन हो जाओ। अब चलते हैं पहले हम लोग घर। तो अभी मैं अपने घर के पास आ चुका हूँ और इस यहाँ पे लीव कर देते हैं हम लोग। इसके बाद टीवी से ज्वाइन करेंगे। तो अभी ज्वाइन करते हैं हम लोग टीवी से। तो अभी सर्वर ऑफ होने वाला नहीं है क्योंकि एक प्लेयर ने ज्वाइन कर लिया सर्वर, तो सर्वर अभी ऑन ही रहेगा जब तक ये लीव नहीं करता है। और माइनक्राफ्ट भी चालू हो रहा है, अब इसको ज्वाइन करते हैं। मैं टीवी पे ज्वाइन हो गया है और ज्वाइन करते हैं मुझे ये दिखा, ये माफिया FFMX ये बैठा हुआ है यहाँ पे ऐसे, और ये मेरा घर आगे में। और एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ और एक हाथ कैसे खेलूं, कीबोर्ड भी पकड़ना है, माउस भी पकड़ना है। तो किसी को मैं बुला के लाता हूँ जो कि कैमरा से शूट करे। अभी तो होली का दिन चल रहा है इसलिए सारे लोग अभी बिजी है। ओके, कोई मिला नहीं कैमरा पकड़ने के लिए, सब लोग अपने काम में बिजी है। तो और वेट करते हैं, थोड़ी देर बाद हो सकता है मिल जाए कोई। अभी बज रहा है 1:20 हो रहा है, और जैसे अभी मैं बुलाने गया, एक तो आ गया अजीत और दूसरा मॉर्टल अड्डा भी आ गया। तो अबे साले, मॉर्टल अड्डा का रिएक्शन देखेंगे। अंदर घुसो दोनों, ये दोनों अंदर घुसो।
टीवी में हम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं। खेलो तो। वाह वाह, फिर से वही हो गया। क्या लिख रहा है? अरे अरे, माइनक्राफ्ट है, एज ब्राउजर नहीं है। रुक, इसमें ना होता है, तब क्या मजा आएगा। हट। क्या वेबसाइट कितने खुलेगा, कैसे मजा आएगा वेबसाइट खोलना इसका। अरे वो ग्लिच हो जाता है, जैसे मरेगा ना तो रिस्पॉन बटन अटक जाता है, पता नहीं का है। क्या लिख रहा है? अरे नहीं खुलेगा वेबसाइट, कौन लिखता है? COM होगा ना। अरे माइनक्राफ्ट है, माइनक्राफ्ट का कमांड डालो। तो फिर से ये ड्रामा हो गया है, फिर से मोबाइल से आना पड़ेगा। अभी मोबाइल से ज्वाइन हो रहा है और यहाँ पे आ गए हम लोग, अब लीव कर देते हैं इससे। तो अभी सर्वर ज्वाइन होना स्टार्ट हो गया है टीवी से, और देखते हैं हम लोग कहाँ पे स्पॉन होते हैं। लोडिंग दिखा रहा है टीवी पे, कब होगा? यस हो गया, लेट्स गो। और पासवर्ड पूछ रहा है क्या? नहीं नहीं, एस्केप मत होना, एस्केप मत होना। क्रैश हो गया माइनक्राफ्ट, मगर क्यों? फिर से ट्राई करते हैं एक बार। अब क्या ये होता है, इसे ज्वाइन भी नहीं होता है सर्वर। क्या हो गया, कौन नज़र लगा दिया? वो मॉर्टल आर्ट नज़र लगा के गया है, क्या क्या लिख दिया चैट में, उसी की वजह से नहीं चल रहा है। इस बार बस मैंने एक बार क्लिक किया है और यहाँ पे सर्वर ज्वाइन हो गया है। इस बार सारा चीज़ धीरे धीरे करेंगे। और यहाँ पे हम लोग का लॉगिन हो गया है। अरे स्पीड कैसे दौड़ते हैं? कंट्रोल से ना। यस, कंट्रोल से स्पीड दौड़ते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं। यार क्या लिख रहे हैं एनसीडी गेम माइनक्राफ्ट में, क्या असली में आया इसको, कहाँ करूँ भाई, अपना घर में कर दो। कब आएगा घर, कब आएगा? और ये वुल्फ का टावर, टावर कोई काम का है नहीं, कोई सीढ़ी भी नहीं दिया है। और ये मेरा मॉल, ये मेरा घर भी है, मॉल भी है, इस पर शॉप बैठने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे रूम है मेरा, ये जो है मॉल। क्या लिखा है इसमें? प्लेस मॉल पेमेंट मेथड एनी आइटम, यहाँ कुछ भी देके कुछ भी खरीद सकते हैं। कॉन्टैक्ट रन एंड इफ यू वॉन्ट टू ओपन स्टोर इन प्लेस मॉल। और ये पहला रूम है यहाँ का, मतलब पहला स्टोर है। ओनर इसका ANCD फ्रूटी बाई टॉट ईयर है, फूड स्टोर है ये, तो यहाँ पे फूड खरीद सकते हैं। ये मेरा मॉल दिखा दिया आप लोग को। और इधर हम लोग बात करते हैं अपने SMP मेंबर से, और कल रिएक्शन देखते हैं। आई एम प्लेइंग ऑन माई टीवी। अब देखते हैं इसका रिएक्शन, ये लोगों का रियली। अरे क्या तो मजाक लग रहा है। ओके, तो ये हम लोग का मॉल था और ये हमारा इंडियन फ्लैग। और वो देखो दोनों क्या कर रहा है यहाँ पे, ये दोनों क्या कर रहा है यहाँ है, काम धंधा नहीं है? लाइट लगा दिया है। अच्छा लैडर है भाई, हमको भी चढ़ना है लैडर। कैसा लैडर है? ओके, तो ऐसे हम लोगों ने माइनक्राफ्ट को खेला अपने टीवी पे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और सारे स्टेप्स भी मैंने बताया कैसे इसको इंस्टॉल करना है टीवी पे माइनक्राफ्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।